बठिंडा के अमृतसरी कुलचा रेस्टोरेंट के मालक हरजिंदर मेला का बीती शाम को कतल कर दिया गया, जिसके रोष वजो व्यापारियों ने बठिंडा बंद करके जोड़ा रोड है बंद कर दिया गया। बठिंडा सिद्धू मूसेवाले के इंसाफ की मांग भी लगातार की जा रही, तो खास तौर पर बलकौर सिंह जोड़े है वो अज इस जगह पर पहुंचे, देख रहे हो किस तरीके जो हालात बन गया बठिंडे के, इन्ने बुरे हालात जोड़े पहला नहीं सी, गोलियां मारी गई सरेआम अमृतसरी कुलचा द रेस्टोरेंट का जो मालक सीगा हरजिंदर मेला, जिन्हों गोलियां मार के कतल कर दिया गया। तो हुण तुसीं देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन, बठिंडा के अमृतसरी कुलचा रेस्टोरेंट के मालक हरजिंदर मेला का बीती शाम को कतल कर दिया गया, जिसके रोष वजो व्यापारियों ने बठिंडा बंद करके जोड़ा रोड है बंद कर दिया गया। बठिंडा गुणियाना हाईवे हैगा जो मेन रोड जो शहर चो निकलता है, तो यह सारा रोड जोड़ा तुम देख रहे हो इस वक्त जाम किया हुआ बंद कर दिया गया, रस्ता जो ब्लॉक करके व्यापारियों ने एक बड़ा धरना एजिटेशन जोड़ा वो शुरू किया गया। देख रहे हो इस वक्त तस्वीर ये बठिंडा दियां ने, जिथे बठिंडा च बीती शाम जोड़े अमृतसरी कुलचे का जोड़ा रेस्टोरेंट का मालक हैगा वह जो कतल किया गया सी। इस वक्त जी तस्वीर तुम देख रहे हो व्यापारियों ने बड़ा कट किया हो, कट करन तो बाद जो अज ये रोस जोड़ा है इन्होंने है पुलिस के प्रति रोस है कि किस तरीके जोड़ा ये अज वारदात को अंजाम दिता गया, सरेआम गोलियां मार के जोड़ा ये बंदे इतों निकल गए हैं। जेडे व्यापारी ने इस वक्त इकट्ठे हुए है, जिन्हें तस्वीर तुम देख रहे हो सारे बाजार जड़े है वो बंद किए गए है। बाजार बंद करन तो बाद जिहड़े व्यापारी ने वो अज इस जगह पर इकट्ठे होके मंग कर रहे कि परिवार को जिहड़ा मुआवजा दिता जाए, तो इस मुआवजे की मंग नूं लैके अज बड़ा रोस एजिटेशन जोड़ा है वो इतने किया गया, क्योंकि पंजाब दे विच जिस तरीके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जी बिगड़ी है, बठिंडा दे विच एक बड़ा एजिटेशन जोड़ा वो किया जा रहा है। तो जिन्हें भी व्यापारी वर्ग ने अज वो तस्वीर तुम दिखाने इतने सिद्धू मूसेवाले के पिता सरदार बलकौर सिंह वो भी इस एजिटेशन च शामिल होए है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले के इंसाफ की मांग भी लगातार की जा रही, तो खास तौर पर बलकौर सिंह जोड़े है वो अज इस जगह पर पहुंचे, देख रहे हो सरेआम शाम के वक्त एक दुकानदार की जड़ी है गोलियां मार के जो कतल किया गया। उस कतल तो बाद एक बड़ा एजिटेशन बठिंडा च है, सारे बाजार जड़े है वो बंद करवाए गए, सारे बाजार बंद करा के इतने मुआवजे की मंग जड़ी है वो की जा रही है। सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह वो भी इतने इस धरने शामिल हुए हैं, तमाम शहर के समाज सेवी वो भी शामिल हुए हैं। पूरी तस्वीर दिखा देना, सारा रोड जोड़ा वो बंद किया गया, व्यापार मंडल भी हैगा। तो अज की गल कर लिए, तो इस एजिटेशन च सिद्धू मूसेवाले का पिता सरदार बलकौर सिंह पहुंचा, तो एक बड़ा रोस जोड़ा है वह हैगा इन्हों व्यापारियों के बीच कि आखिरकार किस तरीके जो हालात बन गया बठिंडे के, इन्ने बुरे हालात जोड़े पहला नहीं सी, गोलियां मारी गई सरेआम जोड़ा मुंडे का हरजिंदर मेले का जोड़ा कतल किया गया। हरजिंदर जौहल यदा नाम हैगा, तो इन मेला जोड़े लोग प्यार ना कहते, एक एजिटेशन जोड़ा किया जा रहा, सारे रोड जोड़ा बठिंडा हनुमान चौंक तो जोड़ा ये रस्ता ब्लॉक कर दिया गया, व्यापारियों ने मुआवजे की मांग की है, मुआवजा मंगया जा रहा है। इस एजिटेशन के तमाम हर वर्ग के जोड़े शहर के समाज सेवी वो भी पहुंचे हुए हैं, वक् वक् पार्टी के लीडर पहुंचे हैं, तो कितने कितने पुलिस के खिलाफ एक बड़ा रोस जोड़ा वो देखने मिले कि आखिर बठिंडा के जी घटना वापरी है, तो लोगों च सहम का माहौल है कि ये शहर जोड़ा इतिहासक शहर हैगा, बहुत दूरों दूरों लोग इतने आते हैं, कई पुरानिया इतिहासक चीज़ा इतने है, तो इस तरीके दहशतबनी इस दहशत का जोड़ा वो कितना कित जी आप तस्वीर दिखा रहे हैं वो देखने मिल रही है कि लोग जोड़े है घबराए हुए लोगों के मना च डर है, दुकाना व्यापारियों ने बंद की देख सकते हो, चेहरे सारे उतरे हुए कि ये शहर के होया की है, एड्डी वड्डी घटना वापर गई है, पर फिर भी हजे तक पुलिस के जोड़े हथकर, हालांकि पुलिस हर कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके जोड़े है ये जोड़ा इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए, सुलझाया जाए, पर जोड़ा अज का ये रोस तुम देख रहे हो व्यापारियों ने जाम लाया हुआ, रस्ते बंद किए हुए, तो व्यापारी वर्ग के भी एक व्डा रोस है, तो मंग की जा रही है, मुआवजे की मंग हो रही है, इतने सरकारी नौकरी की मंग हो रही है, तो इस मंग को लेकर एक एजिटेशन जोड़ा बठिंडा च लगातार इन व्यापारियों वालों जोड़ा वो किया जा रहा, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं हैगी है, शाम के वेले जो दुकानदार अपनी दुकान के बाहर बैठा था उन्होंने आके गोलियां मार जाना डर हैगा, लोगों च दहशत हैगी है, पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो एक बड़े जोड़े सवाल है।
ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਮੇਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਠਿੰਡਾ